movements of aggregation और वैन कॉलोस बाल बेशुमार मरीजों को हम देख के पूरी लगते हैं कि चलता तो दस शॉट होता ही रहती है लेकिसिस सफोकेट करता है पेन होगा तो बाहर भागेगा ओपन एयर में जाना चाहता है बटन खोल देगा सिस्टम है और आपको और बड़ी बात बताऊं कि ये जो स्नेक है ना ये वाला ये आर्टिस्ट की एब्सेक्शन को रिमूव करता है ये वाल्व की रिपेयरिंग करता है ये ऐसा पॉइजन है जो इंसान के दिल पे अटैक करता है इंसान की ब्लड केमिस्ट्री को चेंज करता है जितने स्नेक पॉइजन हैं वो ब्लड केमिस्ट्री को चेंज करते हैं लिहाजा इसका काम ही ब्लीड करवाना है खून को पतला करना है लिहाजा जहां आर्टिस्ट के अंदर क्लॉट्स बनते हैं थ्रोम्बोसिस होता है तो ये उसको डाइल्यूट करता है और एक और बड़ा हमारे पास सांप है जो क्लॉट्स को रिड्यूस डाइल्यूट करता है वो है वो थ्रो स्नेक पॉइजन तो लेक्सिस भी दिल की दर्दों की बड़ी अद्वियात में इसका शुमार होता है एक और सांप है सेंचरस सेंचरस मेरे पास एक लड़की काम करती थी उसको दिल का दर्द होता था अब उसके दिल को हमने बड़ी सारी दवाइयां दी और उसकी वजह से मैंने सेंचरीज को पढ़ा फिर मैंने सेंचरीज मंगवाई उस वक्त 10 ml मिली थी अब पता है हमारे पास और भी पोटेंशियल मिली इसका जो दिल का दर्द है वो कहता है कि यूं दर्द होता है और सीधा पीछे क्रॉस कर जाता है दिल का दर्द यूं आ रहा है यूं आता है ना बाजू में ये बिल्कुल बैक को क्रॉस करता जाता है और इस पे सेंचरस जो है वो कभी फेल नहीं होती है ये भी स्नेक ये भी अच्छा मजे की बात है एक और स्नेक है जो नाजा मेरी वालदा की कॉडी कफ हो तो ठीक ना हो किसी दवाई से स्पॉन्जा से कोई फर्क पड़ जाए ठीक है हो जाए तो हमने पढ़ के देखे ढूंढ के मैं नाजा में पढ़ता हूँ नाजा कहता है ये कॉडी कफ की दवाई है तो जब से हमने नाजा दी कफ ठीक हो अब देखिए उसकी वजह से मैं सैकड़ों मरीजों को मैं नाजा देता हूँ कार्डियक कफ के पहले मैं स्पॉन्जिया देता था अब स्पॉन्जिया से कई गुना ज्यादा नाजा का काम करती है कई गुना ज्यादा अच्छा काम करती है कार्डियक कफ इसलिए कफ और पेन ये दोनों नाजा कवर करते हैं आगे एक दवाई है सेमिस्फ्यूगा सेमिस्फ्यूगा भी दिल के दर्द की दवाई है सेमिस्फ्यूगा
का दर्द ऐसे होता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है। यू मरीज चीख मारेगा, दर्द होगा, फिर थोड़ी देर में चला जाए और बाद में बड़ी देर तक रहता है और मरीज को इतना सीवियर पेन होता है कि वो चीख मारने पर मजबूर हो जाता है। ये ऐसे ही होता है कि जैसे आप किसी को यू तार जोड़ते हैं ना साथ, जितनी देर तार जोड़ी लगते हैं दर्द होता है, जू उठाते हैं दर्द खत्म हो जाता है, यू इसका दर्द होता है। सेमिन स्क्रू का और एक और बड़ी दवाई है और ये ना सिर्फ मैंने इसको अल्टीमेटली दिल में भी इस्तेमाल किया है, और ये बाकी दर्दों में भी अपनी मखसूस, और इसको याद रखे, भूले ना इसको, बड़े मजे की दवाई है, बड़े मजे की दवाई है, बड़ी मदद करती है, और ये अपना एक मखसूस ही अंदाज है इसका, डिफरेंट है। वो कहता है दर्द के बारे में सोचने से दर्द पैदा होगा, दर्द के बारे में वो कहता मैं काम काज लगा था, मुझे तो कोई दर्द नहीं था, डॉक्टर साहब क्यों है, मैंने कहा क्यों मेरे दर्द, चाहे वो कहीं का भी दर्द है, चाहे कहीं का भी दर्द है, जब भूला हुआ दर्द को तो कोई दर्द नहीं है, जो ही दर्द की तरफ तवज्जो है दर्द हो जाता है, एंड दैट इज द ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड बंद करते हैं, मैं इतने दर्दों की बात करूं ये ना अपना दर्द ही भूल रहा हूं। दर्द जो है ना बेसिकली दर्द हमें इंडिकेट करता है कि क्या है, अगर दर्द ना हो ना खुदा ने दर्द पैदा ही इसलिए किया है कि हमें समझ लगे कि हमें क्या है। दर्द एक ऐसी चीज है जो हमें सुलह की तरफ ले जाता है, दर्द एक ऐसी अलामत है जो हमारी बेहतरी की तरफ हमें ले जाता है। अगर आपको दर्द ना हो या किसी को दर्द ना हो तो उसकी बीमारी भी ठीक ना हो, इसलिए सूफियों को, वलियों को, पैगंबरों को उम्मतों का दर्द था, कौमों का दर्द था, खानदान वालों को, बाप को, बेटे को, बेटे का दर्द होता है, बेटी का दर्द होता है, माँ को, बच्चों का दर्द होता है। तो दर्द जो है ये बहुत ही एक ऐसी चीज है, मैं ये समझता हूँ कि दर्द जिंदगी को बचाता है, खुदा ने दर्द का मैकेनिज्म इसीलिए रखा है कि दर्द पैदा होगा और आप उसको पहचानेंगे तो आपकी जिंदगी जिंदगी का ये पैगाम देता है। हम तो समझते ना कि दर्द जो है हमें तकलीफ दे, लेकिन बेसिकली दर्द इंडिकेट करता है अपनी इस्लाह करने, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने का इंडिकेटर है, आपको इतला देता है कि जनाब अलर्ट हो जाए, कुछ होने लगा है, कुछ है। राइट सर, एनी क्वेश्चन? अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की है, जी आपको मजा आया, पता नहीं आपको मजा आया या नहीं। अपनी तरफ से हमने भरपूर कोशिश की। ये देखो।